मैं राजकुमार फिटनेस इंस्ट्रक्टर, जो आज आपको कैलिपर्स के बारे में बताऊंगा। कैलिपर्स दो प्रकार के होते हैं, जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर और फर्म जॉइंट कैलिपर, ये दो प्रकार के होते हैं। ये हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। जो इसका साइज है, जो रिवेट के सेंटर से टिप तक लिया जाता है, पॉइंट तक, और जो स्प्रिंग जॉइंट है ये इनसाइड कैलिपर है। इनसाइड कैलिपर की टांगे जो है बाहर की ओर मुड़ी होती हैं, जो अंदरूनी नाप लेने के काम में लिया जाता है। यहाँ पे एक सप्लाइड नट या एडजस्टेबल नट होता है जो एडजस्ट करता है। ये इसका स्प्रिंग है जो स्प्रिंग का कार्य करता है। ये जेनी कैलिपर है। जेनी कैलिपर जो है रेखाएं खींचने के काम, जो ऊपर रेखाएं खींचने के काम में आता है। इस पे एक जो नीडल लगी होती है और एक टांग इसकी अंदर की ओर मुड़ी होती है। ये आउटसाइड कैलिपर है। आउटसाइड कैलिपर जो है बाहरी नाप लेने के काम में आता है, जिससे जॉब का बाहरी साइज ले सकते हैं। ट्रेमल जो बड़े वर्त खींचने के काम में आता है। इससे जो छोटे वर्त नहीं खींचे जाते हैं डिवाइडर से, वो बड़े वर्त खींचने के काम में लिया जाता है। डिवाइडर जो है इसकी दोनों टांगे बराबर नुकीली और बराबर होती है। बेंड स्क्राइबर जो है रेखाएं खींचने के काम आता है। ये 90 डिग्री कोण पे मुड़ा होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। आगे है ब्लेड ट्राई स्क्वेयर। ये जो है ब्लेड है इसका, और ये स्टोक है। इसका साइज जो है ब्लेड का अंदरूनी हिस्से स्टोक तक लिया जाता है। ये हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, और इसका स्टोक जो है माइल्ड स्टील व कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अब अपने हैमर की बात करेंगे तो हैमर जो है कास्ट स्टील का बनाया जाता है, और इसके मुख्य भाग जो है वो आपको बताना जा रहा हूँ। तो ये जो नीचे का जो भाग है, स्ट्रैकिंग भाग है, जो उसको फेस कहलाता है, और उससे ऊपर का भाग है वो निक कहलाता है, और जो साइड का भाग है वो चिक कहलाता है, और ऊपर का जो भाग है पिन कहलाता है। हैंडल के जो बीच के ऊपरी जो भाग में हैंडल जो हैमर के अंदर फिट होता है, उसके ऊपर एक छिद्र करके उसमें बेज सही जाती है, एक लकड़ी सही जाती है, जिससे हैमर जो है निकलता नहीं है। बेज हैमर की पहचान जो है उसके पिन से होती है। जैसे ये बाल पिन हैमर है जो गेंद की आकृति के का है, इसलिए इसका नाम बॉल पिन हैमर है। आगे एक क्रॉस पिन हैमर, जो हैंडल है, हैंडल के क्रॉस में जो इसकी पिन बनी होती है, ये क्रॉस पिन हैमर है। और स्ट्रेट पिन हैमर, जो इसकी पिन है हैंडल के स्ट्रेट में होती है, और क्लाय हैमर जो इसके दो सिंगों की तरह होता है, जो कील निकालने के काम में आता है। और सॉफ्ट हैमर होता है, जो नरम कार्य के लिए होता है। मैलेट हैमर लकड़ी का बना होता है, जो चोट अधिक नहीं लगानी है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्लेज हैमर जो 2 kg से 10 kg तक मिलते हैं, ये भारी कार्यों के लिए होते हैं। और डबल फेस हैमर, ये दोनों तरफ इसके फेस बना होता है, इसे डबल फेस हैमर कहते हैं। आगे अपने वाइस के बारे में बताएंगे। तो वाइस जो है कास्ट आयरन की बनी होती है। इसकी बॉडी जो है कास्ट आयरन की बनी होती है, और ये जो इसका हैंडल है, और ये इसके अंदर जो हैंडल और हैंडल जिसमें फिट है वो स्पैंडल है। ये दोनों हैंडल और स्पैंडल दोनों माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक कॉलर और एक स्प्रिंग
और दो वॉशर और एक स्प्लिट पिन होती है, वो स्प्रिंग है जो स्प्रिंग स्टील की बनी होती है, और वॉशर है जो और स्प्लिट पिन माइल स्टील के बनाए जाते हैं। ये मूवेबल जा है और ये फिक्स जा है। जो मूवेबल जा है वो गति करता है, आगे पीछे करने के काम आता है, और इसके जो नीचे डिस्क के अंदर जो ये वाइस है जो फिट होती है, और माइल जो स्पेंडल है जो घूमता है वो उसको बोलते हैं बॉक्स नट। बॉक्स नट बोलते हैं, वो गन मेटल का बना होता है। ये है जॉ प्लेट जो हाई कार्बन स्टील के बनाई जाती हैं या स्पेस स्टील से बनाई जाती है। वाइस जो है जो को पकड़ने के काम में आती है, फ्लैट जो को पकड़ने के काम आती है, और वाइस पाई वाइस होती है वो गोल जो को पकड़ने के काम में ली जाती है। तो ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।